नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पॉट टिप्स पे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फोटोग्राफी के बारे में कि कैसे आप एक अच्छा फोटोग्राफर बनकर अच्छी कमाई कर सकते हैं और एक कैसे आप अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं और इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूँ कि अगर आप न्यू बिजनेस आइडियाज़, टेक्नोलॉजी, बिजनेस टिप्स, ऑनलाइन मनी मेकिंग, हेल्थ टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी फोटोग्राफी स्किल्स बनाइए। बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉलेज और स्कूल जाना पसंद करते हैं, वो मानते हैं कि अगर कॉलेज जाएंगे और कोर्स फोटोग्राफी करेंगे तो उनके स्किल्स बढ़ेंगे और तब वो अच्छा करियर मिलेगा। और उसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉलेज जाना और कोर्स करना वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं और वो भी सक्सेसफुल हैं। आज बहुत सारे फोटोग्राफर ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हैं। ये सब आप पर डिपेंड करता है। अगर आप मानते हो कि कोर्स करके या कॉलेज जाकर अच्छा फोटोग्राफर बन सकते हैं तो आप ज़रूर वो करिए। दूसरी तरफ आपको अगर ये लगता है कि आप किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर के साथ रहकर अपना करियर बना सकते हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल वो करिए। इक्विपमेंट अच्छे होने चाहिए। जितने अच्छे इक्विपमेंट होंगे उतना अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे, क्योंकि रिजल्ट हमेशा अच्छे इक्विपमेंट से ही आता है। अगर आपको प्रोफेशनल वे में काम किसी को देना है या किसी का काम करना है या किसी से काम लेना है तो आपके पास इक्विपमेंट अच्छे होने चाहिए। मिनिमम आपके पास 18-55 क्लोज शॉट के लिए होना चाहिए लेंस और 55-200 लॉन्ग शॉट के लिए होना चाहिए लेंस। मिनिमम ये दो लेंस तो होने ही चाहिए और एक अच्छा कैमरा होना चाहिए या 18-135 लेंस भी ले सकते हैं। और अगर आप लाइट इफेक्ट इंडोर शूट करना चाहते हैं तो आपको लाइट्स की नॉलेज होनी चाहिए और हाई क्वालिटी इक्विपमेंट लीजिए, क्योंकि अगर आपको किसी को हाई क्वालिटी फ़ोटो देनी है तो आपको हाई क्वालिटी लेंस चाहिए। अगर आपके पास इतना इन्वेस्ट नहीं है तो आप रेंट पे भी ले सकते हैं लेंस या कैमरा। आपको कैमरे के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। किसी काम को लेने से पहले आपको कैमरे की सारी सेटिंग्स के नॉलेज होनी चाहिए और उसके एरर मैसेज मालूम होने चाहिए। आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आंखें बंद करके भी आप लेंस चेंज कर सकें। फोटोग्राफी टिप्स। आपको हर जगह से फोटोग्राफी टिप्स लेनी चाहिए, कोई नया फोटोग्राफर हो या पुराना फोटोग्राफर हो। जिसके पास एक्सपीरियंस हो उससे भी टिप्स और दूसरा एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्योंकि एक नई सोच हर आदमी की एक अलग होती है। हर एक फोटोग्राफर का एक नया एंगल उसके पास होता है, उसके अलग क्लिक करने का अंदाज होता है। तो आप हर एक से टिप्स ज़रूर लें। आप एक अच्छा फोटोग्राफर बन 25,000 से 50,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई वीडियोस के अपडेट की जानकारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जिन्होंने पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए बिजनेस आइडिया के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।